हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ जिब्बी से तीर्थन वैली, तीर्थन वैली से ओट, और आज मैं जाऊँगा छोटी गाड़ी के साथ और चार गेस्ट रहेंगे मेरे साथ, और हम निकलेंगे जिब्बी से तीर्थन वैली, तीर्थन वैली से ओट। तो तीर्थन वैली में कोई एक स्पॉट उन्होंने कहा था कि कवर करेंगे, और उसके बाद निकलेंगे हम सीधा ओट के लिए। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि गाड़ी लगा रखी है थोड़ी सी ऊपर, और मैं था अपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे। तो आने वाले टाइम में मैं आपको अपने कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो दिखाऊंगा। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गेस्टों को पिक करने के लिए, और उसके बाद चलेंगे तीर्थन वैली और शाम को ओट। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चल दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों फिलहाल अपने भाई लोगों को मैंने पिक कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं तीर्थन वैली और उसके बाद जाएंगे ओट। उससे पहले तीर्थन वैली में कौन सा स्पॉट कवर करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तो अभी चल रहे हैं हम तीर्थन वैली के लिए, चले चलते हैं तीर्थन वैली। दोस्तों इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बंजार मार्केट में, ये आप देख पा रहे हैं अपनी बंजार मार्केट। जितनी चौड़ी अपनी बंजार की मार्केट है ना, उससे ज्यादा चौड़ी तो गलियों में रास्ते होते हैं। देख लो यहाँ पे HRTC की बसें चलती है भाई लोग, दोनों साइड शॉप है। ये अपना बंजार, ये अपनी मार्केट चल रही है अभी बंजार की। आगे CCTV कैमरा भी लगा है, कहीं हो गया ना मेरा कान से हो गया सीन। तो यहाँ ये जो है जिब्बी वैली और तीर्थन वैली दोनों का सेंटर पॉइंट आता है, यहीं से आप जिब्बी वैली या तीर्थन वैली जा सकते हो, और ये जो है दोनों वैलियों की मेन मार्केट है, जहाँ पे दोनों साइड के लोग जो है शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। दोस्तों ये अपनी तीर्थन रिवर का एक ऑन द वे से शॉट कुछ इस तरह का। दोस्तों ये है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का नेचर पार्क, इसके अंदर बता रखा है किस तरह का है अपना ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, ये है एंट्री गेट जो कि कुछ इस तरह का बनाया गया है। बाकी यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और इसके अंदर जो है घूमने के लिए जा सकते हैं। ये देखिए किस तरह का है अंदर से, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। बाकी मैंने यहाँ का वीडियो बनाया प्रॉपरली, वो मैं आपको आई बटन पे दिखा दूंगा, डाल दूंगा, वहां से आप जो है वो वीडियो देख सकते हो। ये देखिए, और फिलहाल अपने गेस्ट है यहाँ पे, फिर चलेंगे अंदर। ये देखिए ये है अंदर का व्यू, और यहाँ पे जो है पर्ची कटेगी अंदर घूमने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो किस इस तरह का है अंदर का माहौल। ये देखिए ये बता रखा है कैसे क्या है, ये देखिए। बाकी मैंने यहाँ का प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ये अंदर परिसर अंदर का, ये है पर्ची का, जहाँ पे पर्ची कटनी पड़ती है अंदर जाने के लिए एंट्री फीस। बाकी देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर बैठने के लिए भी स्पॉट लगाए गए हैं स्टूल्स, ये देखिए, और काफ़ी अच्छे पेड़, ये देखिए, और यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है, और यहाँ से आप घूमने जा सकते हो अंदर तक। काफ़ी अच्छी हरियाली है, यहाँ पे टहल सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह का बताया गया है ना। तो दोस्तों इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, इसे पॉइंट को कहते हैं फागुपुल पॉइंट। ठीक है, नेचर पार्क कवर करने के बाद हम पहुंचे यहाँ पे। यहाँ पे जो है खाना खाने का कुछ प्रावधान किया जाएगा, और ये है रिवर साइड, ये देखिए।
तो दोस्तों वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद अभी हम आए हैं आगे बाली चौकी क्रॉस कर लिया हमने और जा रहे हैं ऑट की तरफ। और रास्ते में मिला हमें रिवर पॉइंट, तो गेस्टों ने काफ़ी कहा कि भाई जी हमें थोड़ी देर यहाँ पे बैठना है, हम पानी के पास नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और अपने गेस्टों का वेट कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पॉइंट जहाँ पे मेरे गेस्ट गए रिवर साइड पे। तो अगर आप भी आते हो पहाड़ों में और मौसम हो बारिश का, तो बारिश के मौसम में जो है रिवर के एकदम साथ में नहीं जाना है, तो उससे थोड़ा सा हट के रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है, पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथों में, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पॉइंट, ये देखिए दोस्तों, ये है वो बंदे जिनको मैंने भेज रखा। देखिए कितने पीछे है, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर पानी के पास नहीं जा रहे हैं ना। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी जो है रिवर साइड पे बारिश के मौसम में मत जाइए, पीछे से इंजॉय लीजिए। देखिए कितने पीछे हैं, पीछे इंजॉय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वो रिवर पॉइंट है जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी लगा ली है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, तो ये देखने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। पानी अगर चाहिए तो एकदम कॉर्नर पे खड़िए, है ना, अपना एंजॉयमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश रखिए कि आप जो है पानी के पास ना ही जाए, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे धूप लग रही हो और पीछे कहीं पे बारिश हो रही हो, तो एकदम से जो है पानी का अभाव बढ़ जाता है और कभी भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए जो है पीछे रहिए और इन्जॉय कीजिए, चिल कीजिए, है ना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ और थोड़ी देर यहाँ वेट करने के बाद फिर चलेंगे ऑट के लिए। तो आपको ऑट का टनल भी दिखाऊंगा और कहाँ से जीवी आना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है वो रिवर साइड, देखिए जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है। ये देखिए काफ़ी प्यारा पॉइंट है और काफ़ी सीधा है और काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि एकदम कुछ हो जाए, थोड़ा सेफ है ये क्योंकि काफ़ी चौड़ी जगह है। अगर एकदम से भी कुछ हो जाए तो एक बार कॉर्नर तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो ये देख सकते हो, ये है रिवर साइड, ये देखिए अपने बंदे एकदम साइड में बैठे हैं, एंजॉय ले रहे हैं, चिल कर रहे हैं ना, कि मैंने बता रखा है कि रिवर के एकदम पास में नहीं जाना है। ये देखिए रिवर साइड, ये देखिए दोस्तों, ये है ऑट टनल, ठीक है। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है जीबी के लिए, जीबी शानगढ़ और तीर्थन वैली के लिए। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दिल्ली के लिए, ठीक है, दिल्ली मंडी। और ये कुल्लू मनाली के लिए टनल और ये अपना जीबी वैली के लिए जाएंगे और टनल के अंदर। ये अपना टनल हो चुका है स्टार्ट, ये देखिए ये टनल आ गए भाई टनल के अंदर। दोस्तों इस टाइम मैं पहुंचा हूँ गेट पे होमस्टे के पास और गेस्टों को मैंने भेज दिया है अभी, तो वो अभी बस का वेट करेंगे गेट पे होमस्टे में। और आज का दिन भर का मैंने सब कुछ आपको बताया और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप ऑट टनल, है ना। तो अभी मैं हूँ ऑट टनल के पास और मैंने गेस्टों को भेज दिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।